अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। मोहब्बत न कम्बख्त न कमीना न पागल न दीवाना। मोहब्बत बॉस, मोहब्बत बॉस, मोहब्बत बॉस है, मोहब्बत बॉस है, मोहब्बत बॉस है, मोहब्बत बॉस है। रंग दे 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 सबको अपने रंग में रंग दे। मोहब्बत बॉस है, मोहब्बत बॉस है, मरती है हमेशा जिंदा रहती है। मोहब्बत बॉस है, 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 मोहब्बत बॉस है।
शायद शायद सूरज उगाना चाहते थे वो, लेकिन लेकिन बहुत उगाई। काश उन दो लकीरों के साथ साथ मेरे लहू की भी लकीरें होती। मुन्ना, मुन्ना, अरे ये मुन्ना कहाँ चला गया? मुन्ना, लगता है कि अपने नूरा के साथ कहीं दूर चला गया है। नूरा, नूरा रुक जा। अरे नूरा, नूरा, नूरा रुक जा। फौजी। बहुत मीठा है। लो। गोली क्यों चलाई? आपस का विश्वास जब कमजोर हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। कैसा है? अच्छा है। तुम अजीब आदमी हो। तुम गोली भी मारते हो और चॉकलेट भी खिलाते हो। आपको कश्मीर कैसा लगा? इससे तो पहली नजर में ही प्यार हो गया। खूब हो या खूबसूरत हो, या खूब तरीन हो, खूब हो या खूबसूरत हो, या खूब तरीन हो, जैसी हो खूब हो या खूबसूरत हो, या खूब तरीन हो।
एक बार होता है, एक बार होता है। जब जब देखूं मैं तुम्हें बार बार होता है, बार बार होता है। इश्क हो या आशिकी हो या आशिकीन हो, इश्क हो या आशिकी हो या आशिकीन हो। बॉर्डर कब क्रॉस करेंगे यार? अभी तो चांद है, इसे ढलने तो दे। अबे सिगरेट मत जला, सामने से फायरिंग हो जाएगी। अरे मालूम है, हाथ में पकड़ तो सकते हैं। अबे सिगरेट पर एक बड़ी जबरदस्त बात याद आ गई यार, वो इंडिया का हीरो नहीं था राजकुमार, उसने क्या डायलॉग बोला था? जानी जब हम कष्ट लगाते हैं तो दुश्मन गश खा जाते हैं। भाई जान आगे। भाई जान चले? अभी रात को नहीं, सुबह सुबह बॉर्डर क्रॉस करेंगे, समझे तुम लोग? जी भाईजान। भाईजान आपको आने में देर हो गई, हम तो डर गए थे। हाँ भाईजान। डरो मत,
मौत को मौत नहीं आता। भाईजान अब तक आप कहाँ थे? हाँ भाईजान खेल रहा था, मुझे मौत से खेलना अच्छा लगता है। नूरा चल, नूरा 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 उधर मत जाना नूरा। मुन्ना कौन है? शायद मेरा मुकद्दर है। पहले हामिद को खोया, फिर दो जवान बच्चे, अब तो बस मुन्ना ही बचा है जिसके वापस आने का मैं इंतजार कर सकती हूँ। चांद तो अब ढलने वाला है भाईजान, सुबह होने वाली है। उठो चलो। जी Yes, मैं ब्रिगेडियर दर्शन सिंह बोल रहा हूँ। मैं बी चैनल से बरखा दीक्षित। सर रिपोर्ट है कि रात को बॉर्डर पे फायरिंग हुई है। Yes, but nothing is serious. Nothing is serious? Good morning, sir. हाँ, good morning. वहाँ सुबह में कोई हलचल नजर आई? No, sir. सर वहाँ कुछ लाशें देखी गई हैं। यानी सब मार दिए गए। सर आपका मोबाइल ऑन है। श्योर? ये कैसे हो सकता है? हेलो सर, वहां किसकी लाश देखी गई? अरे नहीं, कोई लाश नहीं। लेकिन लाश की बातें तो हो रही हैं। अरे नहीं भाई, अंधेरे में गोलियां चली, कुछ जानवर मारे गए, ये उन्हीं लाशों की बात कर रहे हैं। बट नथिंग इज सीरियस। पुरानी जर्नलिस्ट और नया मोबाइल हमेशा टेंशन देता है, कभी कट नहीं होता। कुलदीप सर, तुम इंस्पेक्शन के लिए उसी स्पॉट पे जाओ और हमें रिपोर्ट दो कि वहां सभी मार दिए गए या कोई जिंदा भी है। सर, और तुम्हारे साथ एक जवान भी जाएगा। वो कौन सर? 118 सर। ए, 118 टर्न। Don't laugh! Shut up! ये क्या है? ये मेरे गांव में बहुत हैं, इसलिए मुझे इनकी आदत है। ऐसी आदत क्यों है? पता नहीं क्यों, मौत जब मुझसे खेलती है तो अच्छा लगता है। सर ये लड़का अभी अभी नया नया गांव से आया है, मगर बड़ी बड़ी बातें करता है सर, पर शायद इसे बंदूक भी ठीक से पकड़ना नहीं आता सर। अच्छा तुम सिखा देना। Now go, start the mission. सर। गोली मार देंगे, ये भी परफेक्ट करना नहीं आता। टफर शिट, नीचे नीचे। मेरा सर तो नीचे था, फिर भी इसने। ओके सर। क्या आपको पसंद नहीं था ना, इसलिए मैंने उस बिच्छू को इधर ही फेंक दिया। सर नीचे, गोली मार देंगे।
जाकर बिच्छू हुआ तो? कुछ नहीं होगा सर, मैं हूं ना। गुड, वेरी गुड। सर आप मौत से डरते हैं? नहीं। तो बिच्छू से क्यों डरते हैं? इसलिए कि मुझे मौत से तड़पना अच्छा नहीं लगता। मौत हो तो सुकून वाली होनी चाहिए, पीसफुल, शांति से। इसलिए मैंने कई दफा किसी को तड़पते हुए देखा तो सीधे गोली मार दी। बंदा सुकून से मरे एटलीस्ट। साला बहुत हरामी है। क्या? नहीं नहीं सर, नाइस, आप बहुत रहम दिल हैं। हाँ सर, कभी कभी मुझे भी फील होता है। इनको क्या मारूं? ये तो पहले से ही सुकून से मर चुके हैं। इसमें सारे इंफॉर्मेशन होंगे। हो सकता है कि इसमें इनके आकाओं का गर्मा गर्म भाषण हो जिसे सुनकर इनका खून उबलता हो और यहां मरने के लिए आ जाते हैं। बेचारा सिगरेट नहीं जला सका लेकिन जिंदगी चल गई। लेकिन इसे हम चलाएंगे। कैसा आदमी है। हंगामा है क्यों? जब यहां आए हैं तो मौत बिछाते हुए जाएंगे। लेकिन ये है क्या? गुड, इस पर पैर रख दिया तो कुछ नहीं होगा लेकिन पैर हटाया तो ब्लास्ट हो जाएगा। 20 फीट के एरिया में सब कुछ छुड़ा देगा। सब कुछ। ओह गॉड। बड़ी प्यारी महबूबा है मेरी। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा बड़ी मस्तानी है। गले लगाओ तो गले लग जाती है और हटे तो नाराज हो जाती है। बाउंसिंग माइंस कहते हैं, समझे इसे? लेकिन इसे यहां क्यों रखा? क्योंकि हम यहां से जाते जाते भी अपने पीछे मौत छोड़ जाएंगे। जिसका नसीब खोटा होगा वो मरेगा। हम क्यों डरे? हम तो सेफ है ना। तू अभी तक जिंदा है। तूने हमारे 5 आदमियों को मारा है। तेरे घर में कोई अगर जबरदस्ती घुसा है तो तुम क्या उसे चुम्मा लोगे? तुम्हारे कोई 5 आदमी मारते हैं तो तुम उसके 5 टुकड़े नहीं करोगे? बताओ साले हरामजादे, कुत्ते कमीने। मुझे मार भी दोगे लेकिन तुम खुद भी खून बहा बहा कर मर जाओगे। मेरे पास फर्स्ट एड का सामान है, दूं? नहीं,
मैं खुद ले लूंगा। हिलना मत। लाओ मैं बांध दूं। हे तू वहीं पड़ा रहा, हिलना मत। अब क्या करूं, राइफल अगर हाथ में पकड़े रखूंगा तो पट्टी कैसे बांधूंगा, और अगर राइफल छोड़कर पट्टी बांधने लगा तो कहीं ये साला हमला ना कर दे। एक ही रास्ता बचा है, इसको गोली मार दूं। तुम एक हाथ से पट्टी नहीं बांध सकते। क्यों 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 नहीं बांध सकता हूं? हैं? जख्म गहरा है, पीछे तक है, हाथ जाएगा नहीं। तुम राइफल ही पकड़े रहो, अच्छा लगता है। पट्टी मैं बांध देता हूँ। राइफल ही पकड़े रहो, अच्छा लगता है? टॉन्ट मारता है साले। तू काहे के लिए नौकरी करता है? काहे के लिए? राइफल पकड़ने के लिए ना? हैं? अभी तो हाथ में नहीं है ना। लाओ। वो क्या? माइंस। माइंस? तुमने लगाई है? नहीं। किसने लगाई है? उसने। ये तो हो गया। ए, तुम भी बड़ी कुत्ती चीज हो, माइंस भी बिछाते हो और पट्टियां भी बांधते हो। तुम भी बड़ी कुत्ती चीज हो, पट्टियां भी बनवाते हो और गोली भी मारना चाहते हो। हम दोनों ही सेम सेम हैं। अबे जा। चल आ जा, मैं भी तुझे पट्टी बांध देता हूँ। नहीं नहीं, तुम राइफल ही पकड़े रहो, अच्छे लगते हो। पट्टी मैं खुद बांध लूंगा। ये ले बच्चे, टॉन्ट मारता है, हाँ? तू पट्टी बांध, मेरे हाथ में राइफल ही अच्छी है। पट्टी का उधार तो चुका दिया, यहाँ रहा तो मौत का उधार भी चुका दूंगा। सर वो देखिए, अरे ये तो अपना ही बंदा है। नो फायर। ये अपना बंदा नहीं है। फायर। ये सफेद कपड़ा कहां से ले आया? हाँ, हम कफन अपने साथ रखते हैं, मौत से नहीं डरते। मौत से नहीं डरते तो इसे दुपट्टे की तरह हिला क्यों रहा था? साले तोगले, बोल कहां डालू, ऊपर या नीचे? बोल ना, बोल कहां डालू, बोल। अबे जहां डालना है वहां डाल। जो रंडी में नाम लिखा लेते हैं ना, वो ऊपर से नीचे से मोटे से पतले से नहीं डरते हैं? साले कुत्ते कमीने हरामजादे। हमारी मजबूरियां भी सेम, हमारी गालियां भी सेम, और कुछ हम दोनों भी सेम सेम ही हैं ब्रदर। नहीं, बहुत फर्क है तुम में और हमें। तुम्हें तो कुत्ते की मौत मरना चाहिए। चलो मान लिया, मैं कुत्ते की मौत मरूंगा, लेकिन तुम भी कुत्ते की मौत ही मरोगे, क्योंकि अगर मैं इधर से ऊपर गया ना तो गोली इधर से नहीं उधर से चलेगी,
और जब तुम ऊपर जाओगे तो गोली उधर से नहीं इधर से चलेगी। मरेंगे तो कुत्ते की मौत, गोली तो सिर्फ अपनी डायरेक्शन बदलेगी, मौत तो वही होगी दोनों की, कुत्ते वाली। सेम सेम ब्रदर, सेम सेम। मेरे लिए तो इतनी खुशी भी काफी है कि मैं तेरे बाद मरूंगा। रुक जा, मैं कह रहा हूं रुक जा, वही रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। मौत जब मुझसे खेलती है तो अच्छा लगता है। वही रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। अरे यार तुम क्या सोच रही हो यार, अपने चैनल के लिए एक चैलेंजिंग स्टोरी सोच रही हूँ, तो ये देखो। अच्छा दिखा, देखो। अरे वाह अमेजिंग, ये तो चैनल के लिए गजब की स्टोरी बन सकती है ना, गजब की स्टोरी। पागल, मुझे क्या पता था। तो मुझे पता था। तेजस रंजन प्रताप इन शॉर्ट TRP, ये तो आज तेरी जान ही नहीं है। हाँ हाँ चल। वाओ इंटरेस्टिंग। अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ देखने आया था कि स्विमिंग पूल में पानी है कि नहीं। सर आप इतने बड़े चैनल के मालिक हैं, थैंक यू, क्रिएटिव हेड हैं, थैंक यू, आपको तो ऑफिस के चेयर पे बैठना चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियसली। और अगर आप यहाँ आएंगे तो लोग आपको वो समझेंगे। वो क्या? ठरकी। इट साउंड इंटरेस्टिंग, लेकिन ये तो बता दी जाओ कि ठरकी का मतलब क्या है। हेलो, एक मिनट, हेलो, ये ठरकी का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि गोली रहे ना रहे ट्रिगर दबाते रहो, समझे? इट्स अगेन इंटरेस्टिंग, गोली रहे ना रहे ट्रिगर दबाते रहो। सही में पूरा ठरकी है। अरे यार इसको तो हीरोइन होना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, ये पहले से हीरोइन है हमारे बी चैनल की, है ना इंटरेस्टिंग? हटो, ये ठीक है, हट, आ रही है। दीप्ति तू यहीं से ऑफिस चली जा, मैं वहां आती हूँ। हाँ ओके, अच्छा ओके बाय। आज इसको नहीं छोड़ना। क्या चाहिए? तुम लोगों को तुम नहीं चाहिए, क्या चाहिए मैं बताती हूँ। तुम जैसे मर्द अपनी माँ की कोख से निकले और जिंदगी भर लड़कियों के रूप में वही कोख ढूंढते रहते हो, जैसे कि तुम्हारी माँ के पास भी थी। तुम जैसे मर्द कोक की राजनीति से कभी बाहर ही नहीं आ सकते। क्या हुआ, दिमाग से अभी तक कीड़ा नहीं गया? क्या करोगे, रेप करोगे? ये याद रख बेटा,
मर्द एक औरत का सिर्फ जिस्म का रेप कर सकता है, लेकिन जब एक औरत अपने औरतपन पे आ जाए तो मर्द की जिंदगी का रेप कर डालती है। हट! पता नहीं चला उन लोगों का क्या हुआ। हमने अपने दो जवानों को भेजा था। सर, सर, ट्रेंच के बाहर एक आदमी देखा गया, मगर वो अपना आदमी नहीं था। हमने उस पर फायरिंग भी की, पर वो बच गया। हमारे आदमी कहाँ गए? उनका कुछ पता चला? नो सर। कहीं वो मारे तो नहीं गए? हो सकता है, वरना दुश्मन जिंदा कैसे रहता? आजा आजा, शुरू हो गया इनका एनकाउंटर भी है? अब लो मजा भीमसेन जोशी साहब और मेहंदी हसन साहब की संगत का। वाह, क्या सुर बिखेरे हैं। लगता है अब दोनों रुक गए। शुक्र है, मगर तेरे बंदे नहीं रुकने वाले हैं। अरे जा, तेरे वाले तो जैसे दूध के धुले हैं। क्या बोला? और तेरे वाले जैसे स्टीम बाथ से निकले हैं, एकदम पाक साफ, हाथ में तौलिया लिए हुए। शट अप, यू शट अप। ये सब तुम लोगों की वजह से होता है। ये जंग तुम लोगों ने शुरू की है। नहीं, तुमने की है। तुम लोगों ने की है। ठीक है, जंग हम दोनों ने शुरू की है। नहीं, ये जंग तुम ही लोगों ने शुरू की है। अरे जिसने भी शुरू किया ये वॉर, करने वाले कराने वाले सब गए, मर गए। वो खत्म कर, वो चैप्टर बंद कर, अब नया चैप्टर खोल। अभी जो जिंदा है, अभी की जनरेशन, उसे इस सवाल में इंटरेस्ट नहीं कि वॉर शुरू किसने किया। उसे इस सवाल का जवाब चाहिए कि वॉर खत्म कैसे होगा, कौन करेगा, जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं। अरे घर में आग लगाई किसने, इस पे बहस कभी और कर लेंगे। अभी जो आग लगी है उसे तो बुझाओ यारो। नहीं, ये आग नहीं बुझेगी, हमेशा जलती रहेगी, क्योंकि हर एक के हाथ में माचिस है और हम लोगों के हाथों में माचिस तुम लोगों ने दी है। ये वार तुम लोगों ने शुरू की है। नहीं, तुमने शुरू की है। तुम लोगों ने शुरू की। नहीं, तुमने शुरू की है। मान लो कि तुम लोगों ने शुरू की है। क्यों मानूं? क्योंकि मेरे हाथ में बंदूक है। फायरिंग इसी तरफ से। देखा, ये फायरिंग भी तुम्हारी तरफ से शुरू हुई है। सब तुम लोगों की वजह से है। इतना बड़ा मुल्क है तुम्हारा, बड़े भाई की तरह नहीं रह सकते? और छोटा भाई बाप बन जाए, छोटे को भी तो छोटा बन के रहना चाहिए। अरे छोटे भाई की तरह प्यार करोगे तो छोटा भाई सर पे क्यों बैठेगा? अरे बहुत किया, लेकिन वो सर चढ़ के मुत्ता है तो कोई क्या करे। जिसके अंदर ही जहर भरा हो उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। फन वाले नागराज हो तुम लोग, हम लोगों को डस डस के हमारे अंदर जहर भर दिया है। हम उधर नहीं जाते, तुम इधर आते हो डंक मारने, जहर फैलाने, इसलिए कि तुम नागराज हो। तुम्हें तो डसना ही है, जहर फैलाना ही है, इसीलिए तुम इधर आते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है? मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि मैं तुम्हें गोली से मार दूं, और दूसरा इस जहर से। नशा मेरे लिए, मौत तेरे लिए। मेरे पास भी तुम्हारे मौत के लिए दो ऑप्शन हैं। पहला ये कि मैं तुम्हें गोली मार दूं, दूसरा ये
अगर तुम्हारे पास जहर है तो मेरे पास जहर वाला है। शायद इसमें कुछ खाने का हो। कुछ भी नहीं है। दवाएं इसमें। कुछ भी नहीं। भूख लगी है, हाँ? क्या करें, मुझे भूख बहुत लगती है। तो एक काम कर, ऊपर चला जा, बहुत घास है, जाके चर ले। और हाँ सुन, ये ले हिंदुस्तानी विनेगर, इसको उसके ऊपर डाल के ना खाना, बड़ा मजा आएगा। हैं? ये ले। लगता है तुमको भी बहुत भूख लगी है। मैं रात से इस दौलत में हूं, वो भी तुमसे पहले। मुझे भूख भी लगी है, गुस्सा भी लगा है, और मौत भी लगी है, और जिंदगी भी पीछे पड़ी है। ये साली जिंदगी नाती है ना जाती है। अरे ऊपर वाला, जितनी दरिया दिली से तुम लोग गोलियां बरसा रहे हो, बम बरसा रहे हो, अरे मैं तुमसे कह रहा हूं वर्दी वाला, और तुमसे भी, अरे दो टुकड़े रोटी के फेंक दो, हैं? जिंदा रहेंगे तो मरने का मजा भी आएगा, हैं? सुन रहे हो तुम लोग? अरे ओ अकल के यतीमो, दो टुकड़े ही फेंक दो रोटी के, दो टुकड़े ही फेंक दो। काश जो पैसा बम बारूद बंदूक गोलियों पर खर्च होता है, अगर वो पैसा रोटियां बनाने और बांटने में खर्च होता तो कोई भूखा नहीं सोता, ना इधर ना उधर। किसी भी मां की लोरी जख्मी नहीं होती, ना इधर ना उधर। तुम बस ख्वाब ही देखते रहना। क्यों नहीं देखो? देखूंगा। तू रोकेगा क्या? ख्वाब को गोली मारेगा, मार मार गोली, मगर मैं तो ये ख्वाब देखूंगा, मैं तो ये ख्वाब देखूंगा, 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 देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? क्यों नहीं देखूंगी यहाँ की वादी में बारूद का कोई खौफ ना हो, धमाके ना हो, इसकी छाती में कोई छेद ना हो, सुराख ना हो, मैं ये ख्वाब देखूंगा। क्यों नहीं देखूं? क्यों नहीं देखूं कि नफरत मोहब्बत में बदल जाए और कश्मीर फिर से जन्नत हो जाए, जन्नत हो जाए। मैं ये ख्वाब देखता रहूंगा, देखता रहूंगा, देखता रहूंगा, देखता रहूंगा, देखता रहूंगा। कश्मीर की तकदीर लिखते लिखते लगता है ऊपर वाले की स्याही खत्म हो गई, फिर वो उसकी तकदीर आंसुओं और खून से लिखने लगा। Ah!
जो साली जिंदगी नहीं कर पाई उसे मौत के डर ने कर दिखाया, हम दोनों को मिला दिया। काश ये काम मोहब्बत कर पाती। एक बात बता, मिलिट्री में कैसे भर्ती हो गया? अभी तो तुम्हारी उम्र हसीनाओं से इश्क विश्क करने की है। सब बेवफा है, इश्क विश्क करने का कोई मतलब नहीं। क्यों मरे हम सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। आइडिया अच्छा है। महबूबा ने छोड़ दिया क्या? अरे वो क्या छोड़ेगी मुझको, मैं उसकी शादी में गया और दुआएं दी। हुजूम खुशियों का तुमको इतना मिले, गम गुजरना भी चाहे तो रास्ता ना मिले। मेरा यार नहीं तू मेरा प्यार नहीं, तू मेरा यार नहीं तू मेरा प्यार नहीं, तू क्या छोड़ेगा मुझको, तू क्या छोड़ेगा मुझको। मैंने तुझको छोड़ दिया और अपना दिल का तोड़ दिया, हाँ तोड़ दिया और अपना दिल का तोड़ दिया, हाँ तोड़ दिया। ना ही नफरत ना मोहब्बत ना शरारत ना शिकायत, ना ही नफरत ना मोहब्बत ना शरारत ना शिकायत। आज इश्क की मौत हुई है अजब सी एक पहेली है, ना जनाजा ना ही डोली ना ही मातम ना रंगोली। तू दिल रुबा तू दिल नशी किस्सा हुआ पुराना, अब है यकीन दिल ना कहीं अब हमको है लगाना। तू मेरा यार नहीं तू मेरा प्यार नहीं, तू क्या छोड़ेगा मुझको, तू क्या छोड़ेगा मुझको। मैंने तुझको छोड़ दिया और अब आईना दिल का तोड़ दिया, हाँ तोड़ दिया। ना अदावत ना बगावत ना ही राहत ना कयामत, ना अदावत ना बगावत ना ही राहत ना कयामत। ए खुदा क्यों बेवफा इतने हसीन होते हैं, हुस्न वाले अदा वाले इश्क की तू
जरा सुन ले, ना ही रेशम ना मशीशा, फौलाद का जिगर है, रुकता नहीं तेरे लिए ये जिंदगी सफर है। तू वफादार नहीं, तू इंतजार नहीं, तू मेरा यार नहीं, तू मेरा प्यार नहीं, तू क्या छोड़ेगा मुझको, तू क्या छोड़ेगा मुझको, मैंने तुझको छोड़ दिया, ओ रब्बा दिल का तोड़ दिया, हाँ तोड़ दिया, ओ रब्बा दिल का तोड़ दिया, हाँ तोड़ दिया, ओ रब्बा। अब मेरा एक शेर सुन इरशाद। मेहमान बन के आओगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अरे वाह, ये शेर हमारे वहाँ जब पढ़ा जाता है तो खूब तालियां पड़ती हैं। इसे हमारे शहर भी पढ़ते हैं, यहाँ भी खूब तालियां पड़ती हैं। हमारी शायरी भी सेम सेम। कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अरे दोस्त, किसी ने चीरा वीरा कुछ नहीं, बस कश्मीर चीर दिया। Yes. यकीन करोगे, मैं पेंटर बनना चाहता था, नजारों का आशिक, तस्वीरों में रंग भरना चाहता था, लेकिन मैं शायर बनना चाहता था। अच्छा, कलम छोड़कर बंदूक उठा ली, लेकिन जरा भी अफसोस नहीं है, इसलिए कि मैं जो भी कर रहा हूं अपने देश के लिए कर रहा हूं। मैं भी तो अपने देश के लिए कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा तरीका सही नहीं है ना। सही और गलत का फैसला कौन करेगा, कौन करेगा, तुम या मैं, या वो जो ये धमाके कर रहे हैं, या वो जो ये धमाके करवा रहे हैं, या फिर वो जो दूर बैठे इन धमाकों से खुश हो रहे हैं। इसका फैसला कौन करेगा, कौन करेगा। फतवा सब जारी करते हैं, सही फैसला कोई नहीं सुनाता, कोई नहीं। सच तो ये है कि हम दोनों बेवकूफ बन रहे हैं। काश हम दोनों मिल जाते। नहीं मिल सकते, जबकि हमारी शायरी सेम, गाली सेम, नफरत सेम, मजबूरी भी सेम, सब सेम है, फिर भी हम नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। सोचने में क्या जाता है, टैक्स लगता है क्या? सोचो, अगर हम मिल गए तो सोचो ना। तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकेगी। बेशक, लेकिन मुश्किल तो यह है कि हम मैं बंट गए, हम ना बन सके, दुश्मन तो बन गए, हम दम ना बन सके। वाह शायर साहब वाह, क्या बात कही है। तो आओ इस बार मिलकर कोई नया गुल खिलाते हैं, मिलकर मौत को इनविटेशन कार्ड भेजते हैं। यस कम, ओके। कम से कम इतना अच्छा तो हुआ, क्या दिल से दिल नहीं मिला तो क्या, लेकिन पीठ से पीठ तो मिल गए। कमाल कॉम्बिनेशन। हॉल्ट, वो तो अपना बंदा है जो पहले भी नजर आया था। यस सर। लेकिन वो पीछे वाला कौन है? सर पीछे वाला तो उधर का बंदा है। अरे वाह, ऐसा कॉम्बिनेशन तो पहले कभी नहीं देखा। नो फायर।
कमाल है, ऐसा सीन तो हमने कभी नहीं देखा। देखा हा? उधर वाले तुम्हें देखकर गोली नहीं चला रहे हैं और इधर वाले तुम्हें देख के चुप हैं। क्या करें? तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। अरे अगर मैं तुम्हें छोड़ के अलग हुआ तो इधर वाले गोली चलाएंगे, और मैं तुमसे अलग हुआ तो गोली इधर से चलेगी। लगता है हम दोनों को पीठ पर गोली खाकर मरना होगा, और ये हम दोनों बहादुरों की शान के खिलाफ है। राइट राइट, मरना ही है तो पीठ पर गोली खाकर क्यों मरे? राइट पार्टनर, कम ऑन, आजा। अरे ये दोनों तो कूद गए, ये तो कमाल हो गया, अब क्या करें? आखिरकार हमने दोनों तरफ वालों को कंफ्यूज कर ही दिया ना। सही, अब तक कहीं से फायरिंग भी नहीं हुई। ये बात है। अरे अरे आप ही सिर्फ बचे हैं हजूर, आप भी ऊपर से आतिशबाजी मत शुरू कर देना। ए आसमा, तेरे खुदा का नहीं है खौफ, ए जमी, तेरे आदमी से डर लगता है। सर प्लीज, तो फिर आप उधर से अपने आदमियों को भेज के उनको बचा ले। अगर इधर से हमारे आर्मी के जवान आगे बढ़े तो हो सकता है कि उधर के भी आर्मी मूव कर जाए, ऐसे में तो वॉर हो जाएगा। सॉरी मोहतरमा, दो इंसानी जानों के लिए हम कौम और मुल्क के मुकाद को खतरे में नहीं डाल सकते। प्लीज हेल्प मी सर। नो नो, ट्रिगर दबाओ, गोली चलाओ, कोई टेंशन नहीं, मार दो, कोई टेंशन नहीं, जान बचाने बोलो तो टेंशन। ये ऑफिसर भी क्या करे, ये भी कानून से बंधे हुए हैं। कानून ही ऐसा है। कानून मंगल ग्रह से नहीं टपका है, धरती पे बनाया गया है। अफसोस की बात ये है कि कानून इंसानों ने बनाया लेकिन उसमें इंसानियत ही रखना भूल गए। अब उनका क्या होगा जो इस सिचुएशन में फंस गए, पिस गए हैं, क्या होगा? पत्थर लगा तो नहीं? आजा, हाँ। आजा। हाँ। मैं तो चिल्लाकर तुझे बुला भी नहीं सकता, वरना तेरे मेरे चाहने वाले ऑर्केस्ट्रा बजाना शुरू कर देंगे। अजीब सिचुएशन है यार, प्यार करने वालों को भी पत्थर मार के बुलाना पड़ता है। ये कहाँ से ले आया? अरे यार, मैंने तुमसे तुम्हारी यूनिट के बारे में नहीं पूछा, और तूने मुझसे मेरे गांव के बारे में नहीं पूछा, फिर इसके बारे में क्यों पूछ रहा है? खा खा खा, एक चीज बता, भूख कच्ची थी के ये मटन? दोनों बता ना। एक बात है यार, तूने मेरे जख्म पे पट्टी बांधकर मेरी जिंदगी बचाई है, और तुमने मेरी भूख मिटाई, हिसाब बराबर। तुम लोगों ने हमारे 5 मारे हैं और हमने 1, 4 का हिसाब अभी बाकी है। खाते ही अंदर का शैतान जाग गया। हाँ। वो मरा ही कब था? सुन, जिस तरह तुम लोग क्रॉल करके आए थे उसी तरह तुम्हारे साथी रात को आ सकते हैं, और जब तक तुम मेरे साथ हो मैं सेफ हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अरे कहां जा रहा? अरे रुक ना, अरे रुक, छोड़ जा। No!
देखो वो मासूम माइंस पर चला गया। बच्चा, मैं इसी को तो बचाना चाहता था। अरे बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, बच्चा कहाँ से? अब तो ये मौत के पास है। तूने बहुत बम ब्लास्ट किए होंगे, बहुत मासूमों को मारा होगा। लो आज एक और मासूम को मरता हुआ देखो। भूलोगी मुझसे? बुझा ले अपने खून की प्यास, बुझा ले। मुझे लगा तू भागने वाला। नहीं, तुझे रोक रहा था। बहुत भूलोगी मुझसे? भूलोगी? ये बच्चा मेरी वजह से यार माइंस पे। लगता है कश्मीर की सरहद पे फायरिंग कभी रुकेगी नहीं। सो सैड, लेकिन एक ना एक दिन ये फायरिंग और खून का बहना रुकेगा। जरूर रुकेगा, जरूर रुकेगा। खून फिर खून है, टपकता है तो जम जाता है। इसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। ऐसे में क्या करूं, क्या करूं? मैं हो गई गलती मुझसे। आखिर मैं भी एक इंसान हूं, गंदे पानी की पैदाश। गलती हो गई मुझसे। नूरा, इसे होश आ रहा है। अंकल। हाँ बेटा। ये बहुत चुभ रहा है। अच्छा अच्छा, मैं निकाल देता हूँ। अच्छा, ये निकाल देते हैं। सर उठाओ। बस हाँ बेटा, ये पत्थर नीचे रख देता हूँ बस। हाँ ये लो। ये लो, ये तो नूरा का है। नूरा? मैं उसी के गले में डालता था। अच्छा, मेरा नूरा कहाँ है? ये नूरा कौन है बेटा? वो मेरा दोस्त है। जब से अब्बू गए हैं, माँ चुप चुप से रहने लगी हैं। वही मेरे साथ खेलता है। नूरा? उसी को पकड़ने को मैं इधर आ गया। हाँ। वहाँ गोली चली थी। मुझे लगी नहीं। Thank God. लेकिन मैं किसी से, पता नहीं किस चीज से टकरा के यहाँ गिर गया। नूरा, नूरा। नहीं बेटा, नहीं, हिलना मत। हो सकता है वो घर चला गया हो। ठीक कह रहे बेटा। या हो सकता है वो कहीं खड़ा होकर तेरा इंतजार करता हो। नहीं, मुझे उसे ढूंढने जाना है। नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं, अभी कहीं नहीं जा सकते, अभी रात हो गई है ना। हाँ, कल सुबह हम दोनों तुम्हारे नूरा को ढूंढ के लाएंगे। हाँ। और बेटा, अभी तुम जहाँ लेटे हुए ना, उसके नीचे बम है। अगर आप थोड़ा सा हिलोगे या उठोगे ना, तो बम भर जाएगा। तो आप हिलना नहीं, उठना नहीं बेटा। ठीक है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं नहीं हिलूंगा, मैं नहीं हिलूंगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तो क्या करूं मैं, मर जाऊं? तेरे मर जाने से ये बच नहीं जाएगा। तू एक काम कर। क्या? इसका माइंड डिफ्यूज कर दे। वो मुझे नहीं आता। नहीं आता? अगर ये नूरा कहते कहते अचानक उठ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अब एक काम करते हैं। क्या? ये झट से कहीं उठ ना जाए।
हम दोनों को भारी भारी जागना पड़ेगा। ठीक है तो मैं जागता हूँ, तू सो जा। नहीं 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 तू सो जा, मैं जागता हूँ। ओके दोनों ही जागते हैं। बदन पर गोलियां तो कई बार खाई पर उसका दर्द इसके दर्द के सामने कुछ भी नहीं। इसका नूरा नूरा कहना सीधा दिल पे गोली मारता है। कसम से बेचारा मासूम, इसने क्या खता की थी जो इसको ये सजा मिली। जिंदगी भी नहीं जिया और इसके पास मौत जीने लगी। लगता है खुदा जमीन से चला गया। अब सुबह होगी फिर वो नूरा का ढूंढेगा। पता नहीं नूरा कहाँ है, उसका रंग क्या। अरे मैंने देखा है उसे, हाँ हाँ बर्फ की तरह सफेद है। हाँ फिर तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि हम दोनों ने उसे खा लिया है। क्या वो जो हमने? हाँ नहीं नहीं ये देखो ये है उसकी खाल। नहीं नहीं अब ये नूरा नूरा कहता रहेगा और हमें किस्तों में मारता रहेगा। हम उसके गुनाहगार हैं, मुजरिम हैं। तुमसे बड़ा गुनाहगार तो मैं हूं, मुजरिम मैं हूं। मैं और नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मैं आग हूं पत्थर नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे कहां कहां जा रहा है? ये लो बेटा ये रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर इसका ट्रिगर है, तुम इसको दबाओगे ना तो गोली चलेगी। ठीक है ये सब क्यों अंकल? मैं बताता हूँ, इसको पकड़ के रखना। देख बेटा तू सच्ची बात सुन, तेरा नूरा नहीं रहा। नूरा हमने उसे हम दोनों ने उसे खा लिया। खा लिया बेटे, हम तेरे गुनाहगार हैं, हम तेरे मुजरिम हैं। तू गोली मार दे हमको। नहीं मैं नहीं मारूंगा, मैं गोली नहीं मारूंगा। तू चाहे जो सजा दे दे लेकिन लेकिन तू रोना बंद कर दे प्लीज। तू रो मत, रो मत, रो मत बेटा। चाहे तो हमें मौत दे दे लेकिन तू रोना बंद कर दे। ठीक है मैं नहीं रोऊंगा। तू रो मत बेटा, रो मत। बोलो खुजली हो रही है। खुजली कहाँ? वो उस तरफ इधर। हाँ। ओके ओके हाँ। लेकिन बेटी हिलना नहीं अंकल। हाँ, हाँ बेटा गीला हो गया। गीला तुम अंकल गीला हो गया।
तुम हिलना मत। ठीक है। सर, जिस तरह आपका फौजी वहां गया उसी तरह आप दूसरों को भी तो भेज सकते हैं ना? नो, सब बातें अब खुल गई हैं। मीडिया वालों ने सब ओपन कर दिया है। अब ये करना खतरनाक हो सकता है। हम वहां जा सकते हैं अगर हमें हेडक्वार्टर वहां जाने की परमिशन दे तो। वो भी तुम्हें डायरेक्ट परमिशन नहीं देंगे। यस, वो भी डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से पूछेंगे। और वो भी डायरेक्ट परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये दो देशों का सवाल है। वो उधर की डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री से बात करेंगे। अगर आपस में बात जम जाए और वो एग्री हो जाए तो दोनों तरफ के आर्मी हेडक्वार्टर्स को खबर किया जाएगा, फिर बॉर्डर पे मैसेज जाएगा, फिर इतना लंबा प्रोसेस सर। ओ गॉड, शीशा टूट जाएगा देखने दिखाने में। सुनो, एक रास्ता है, यूनिवर्सल क्रॉस सोसाइटी वाले वहां जा सकते हैं, उनसे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिर क्या करूं सर? आप वहां के चीफ से मिलिए। उनका नाम है करण घोषाल। आई एम डॉक्टर चंद्रप्रकाश माथुर, करण घोषाल जी का असिस्टेंट हूं। कहिए। मुझे मिस्टर करण घोषाल से मिलना है। देखिए, संडे के दिन वो किसी भी हाल में किसी का फोन तक नहीं उठाते। क्यों? उनकी मस्ती उनकी अपनी महफिल होती है, मस्त होते हैं वो। वो यूनिवर्सल क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन है। इंसानियत की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उन पर, क्या संडे के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है? क्या लगता है हम तीनों बच पाएंगे? दोनों तरफ से तो बंदूकें तनी हुई है, बचाएगा कौन? अफसोस इस बात का है कि हम अपने साथ इसे भी ले मरेंगे। एक रास्ता है। वो क्या? हम दोनों ऊपर चले जाएं। वो गोली मार देंगे। अरे तो मार लें, हमारी लाश ढूंढने तो यहां आएंगे, फिर हो सकता है वो इसे बचा लें। यस, यू आर राइट। इनकी बात गौर से सुनो। देखो बेटा, हम लोग तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाने जा रहे हैं। हमें कुछ भी हो जाए फिक्र मत करना, डॉक्टर के आने का इंतजार करना। जब तक वो नहीं आ जाता तुम अपनी जगह से हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। ठीक है? ठीक है अंकल, मैं नहीं हिलूंगा। एक टांग से चढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और इधर एक हाथ से पकड़ा नहीं जाता। लंगड़ी जिंदगी लेकर हम मौत तक नहीं जा सकते। लगता है मौत का इंतजार इधर ही करना पड़ेगा। हाँ। हाँ। सर, ये है मेरा कार्ड, अंदर जाना है। सॉरी मैडम। सर, देखिए हम यूनिवर्सल क्रॉस सोसाइटी से हैं, वहाँ इमरजेंसी है। नहीं। अरे कमाल है, अरे चले दो इनको, चले दो। ओके सर। चलिए 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 चलिए। जल्दी करो, जल्दी करो, मूव मूव मूव, कम ऑन, हरी अप, हरी अप, जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, मूव मूव मूव। डॉक्टर साहब, इसके पहले इस तरह के मिशन में कब आए थे? कैसा लग रहा है आपको दो देशों के बीच? इंटरेस्टिंग ना? फास्ट फास्ट। आप किसी चैनल से? जी जी, मैं बी चैनल का हेड भी हूँ, मालिक भी हूँ। टीआरपी नाम है मेरा। टीआरपी? तेजर रंजन प्रताप। बरखा, व्हाट इज दिस? हम यहाँ किसी की जान बचाने के लिए आए हैं।
किसी की कवर स्टोरी करने नहीं आया। क्या कर रहे हो? प्लीज नो टाइम वेस्टिंग, चलो लेट्स गो। नो इंटरव्यू, नो फोटोग्राफ्स। सर प्लीज, हम लोग चलते जाते तो बात कर सकते हैं सर, इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। क्रॉस सोसाइटी में आप कब आए थे सर? कैरी ऑन, बड़ा सवाल ना, सवाल ना, इतनी पकड़ मुझे। It's not interesting. Shoot, shoot, Ajay, shoot, shoot. Oh, oh, be careful. Barka. Dhyan se, jaldi. Hurry up. Shoot, shoot, shoot. Come on, come on, shoot. Very interesting. Come on, shoot me. Follow me. Oh, Yasin, interesting. दो दुश्मन एक साथ, भाई मजा आ गया। एक मिनट, अब भाई आप दोनों में से पहले यहाँ कौन आया और कैसे, प्लीज बताइए मुझे, प्लीज प्लीज बताइए। शट अप, आप इनकी हालत देख रहे हैं? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें इन्हें हॉस्पिटल ले आना है ताकि इनका ट्रीटमेंट हो और इनकी जान बचाई जा सके। भाई मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन कितनी इंटरेस्टिंग है। मुझे शट अप। चलिए हम आपके लिए एम्बुलेंस भी लाए हैं, चलिए ना, प्लीज प्लीज चलिए। नहीं, अभी हम यहां से नहीं जाएंगे। इंटरेस्टिंग। नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? पहले कश्मीर को बचाइए। कश्मीर? कश्मीर? जी, उसे हम कश्मीर कहते हैं, उसका नाम हमें मालूम है। उसे? यहाँ पे कोई तीसरा भी है? हाँ जी। कितना प्यारा बच्चा है, पर इसे लेटा क्यों रखा है? ये बाउंसिंग माइंस पर लेटा है। हाँ? अगर ये उठेगा तो धमाके के साथ 20 फीट तक का एरिया ब्लास्ट हो जाएगा। क्या? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ये गम और मातम की जगह, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जल्दी कीजिए, आइए यहाँ पे देखिए, देखिए कितना प्यारा बच्चा है, जल्दी कीजिए आप, प्लीज आइए। कितना प्यारा बच्चा है और इस पे ये जुल्म हो रहा था। ये तो बच्चा। कैप्टन। यस सर। ये बच्चा माइंस पे लेटा हुआ है, इसकी माइंस डिफ्यूज कीजिए जल्दी। yes, फास्ट। यस सर। फास्ट। देखो बेटा, जरा भी हिलना मत, जैसे लेटे हो वैसे ही रहना। ये कॉमन माइंस नहीं है। डिफ्यूज हो गया? नहीं, मुझसे डिफ्यूज नहीं हो पाए। इसके लिए एक्सपर्ट बुलाना जरूरी है। okay. इसके लिए हम ट्राई करेंगे, आप लोग तो चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारी आर्मी ने दबोच लिया तो, और हाँ, इसे भी यहां से नहीं जाने दूंगा। अगर मैं अकेला रह गया और तुम्हारी आर्मी ने फायरिंग की तो नहीं जाने दूंगा इसे। अरे तो कौन जा रहा है? तुम्हारी बकवास बहुत हो गई, बंद कर। मेरे लिए कश्मीर की जिंदगी सब कुछ है, बाकी सब सेकेंडरी, सब। तो ठीक है, मेरे लिए भी बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। आप अपनी ड्रेसिंग तो करा लीजिए प्लीज। आप जाएं, एक्सपर्ट को लाएं और उसे बचाएं, हमारी फिक्र ना कीजिए। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वैसे भी हम दोनों बड़ी कुत्ती चीज हैं। चलो 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 चलो। अंकल। हाँ हाँ बोलो। अंकल। हाँ? आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप लोग आपस में
लड़ना मत। देखो बेटा, हमारी लड़ाई शायद रुकेगी नहीं, वो इसलिए बेटा जमीन के अखाओं ने हमारे मुकद्दर में जंग 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 लिख दिया। और फुल स्टॉप लगाना भूल गए, हम तो यूं ही लड़ते मरते रहेंगे। हाँ बेटा, यही हो। अच्छा, आप लोग इतना तो कर सकते हैं, आप मेरे सामने मत लड़ना। अब वादा करें। इश्क सा वादा करते हैं, वादा करते हैं। इश्क सा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इश्क सा शुक्रिया अंकल, शुक्रिया। डॉक्टर माथुर, अब हमें जल्द से जल्द एक्सपर्ट को लेके वापस जाना होगा। बरखा, हमारी सोसाइटी के पास ऐसे एक्सपर्ट होते नहीं है। हाँ? तो फिर मैं यहाँ क्यों आई? तुम्हें आर्मी से बात करनी पड़ेगी। अरे बरखा सुनो, लिसन। माइंस डिफ्यूज करने वाले एक्सपर्ट आर्मी के पास तो होंगे ना सर? माइंस डिफ्यूज करने वाले एक्सपर्ट हमारे आर्मी के पास हैं। ओह गुड। नो, लेकिन प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? नो मैंस लैंड में आर्मी नहीं जा सकती। किसी की जान बचाने के लिए भी नहीं? किसी की जान लेने के लिए भी नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें हेडक्वार्टर से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। क्यों नहीं सर, हेडक्वार्टर से डिफेंस मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, फिर उधर का डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर वगैरह वगैरह। यस, वगैरह वगैरह मेंटेन करना पड़ता है सर। दो देशों का सवाल है। ओह गॉड, फोन लग गया, थैंक गॉड। हेलो जी मोहतरमा, मैं जंगयार खान बोल रहा हूँ। सर, उस खाई में मुझे बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले एक्सपर्ट लेके जाना है जो यहाँ के आर्मी के पास है। हाँ, तो वो जा सकते हैं सर? नहीं, अगर वहाँ की आर्मी डायरेक्ट आगे बढ़ी तो इधर से एक्शन हो सकता है। प्लीज हेल्प मी सर, आप बताइए मैं क्या करूँ। उस मासूम की ऐसी हालत है कि जो भी देखेगा तो पिघल जाएगा, और यहाँ पे किसी को परवाही नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, अगर यूनिवर्सल क्रॉस सोसाइटी वाले हमारे एक्सपर्ट को वहाँ ले जाएं, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके सर, ओके। अगर यूनिवर्सल क्रॉस सोसाइटी वाले एक्सपर्ट को ले जाते हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। बट पहले अगर से और बट से परेशान हूँ। बट क्यों सर? शाम होने से पहले आपका ये मिशन ओवर हो जाना चाहिए। सर, हमें एक्सपर्ट्स कब तक मिलेंगे? जब आपको चाहिए वो वहाँ पहुँच जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको यूनिवर्सल क्रॉस सोसाइटी के चीफ से हमारी बात करानी होगी और उनको हमारे आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जाइए, जाकर मिलिए उनसे। हाँ सर, हाँ सर, टाइम भी बहुत कम है ना। ओके सर, ओके। दीप्ति ये फाइनल है, चलो। बरका, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। उसी से मिलने जा रही हो ना? हाँ। याद रखना, जब तुम बॉर्डर पे जाओगी ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नो वे। क्यों क्यों क्यों? यूं 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 मुझे वहाँ इंसानियत को लेके जाना है, टीआरपी को नहीं। बरका बरका बरका, इट्स बैड, इट्स बैड। बैड है तो है सर। स्टॉप, इस चैनल के प्रति तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? यूं, क्योंकि तुम्हें इस ऑफिस में 5 साल हो गए हैं। लेकिन 25 साल से मैं इंसान हूँ, क्या इंसानियत के लिए मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? क्या है? हाँ तो निभाओ निभाओ, लेकिन 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 ड्यूटी भी तो निभाओ। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये बनाइए नो स्टोरी। दोनों को फरिश्ता बना दिया, बच्चों को मसीहा बना दिया, ऐसे में मेरी खाक बढ़ेगी टीआरपी। क्या है इसमें? सच है इसमें। अरे सच्चाई का क्या करूँ, चाटू मैं। अरे स्टोरी बनाती गर्मा गर्म, हैरत अंगेज, सनसनीखेज। बॉर्डर में तनाव है, टेंशन है, कभी भी दो मुल्कों के बीच जंग छिड़ सकती है, तब बढ़ती है हमारी टीआरपी। अरे ऐसी सच्चाई जिससे कि हमारी टीआरपी गिर जाए, भाड़ में जाए ऐसी टीआरपी। आप जाइए भाड़ में, जो स्टोरी सच है वही जाएगी। लेकिन मेरी टीआरपी भी जाए भाड़ में, जरा सा भी चेंज नहीं होगा। एक मिनट बरखा, मेरी बात सुन लो। इस चैनल का मालिक हूँ मैं और तुम सिर्फ एक रिपोर्टर।
हाँ, मैं रिपोर्टर हूँ और आप मालिक, और इसी वजह से मैं आपसे एक कदम आगे हूँ। ये आपकी मजबूरी है कि आप अपने चैनल से रिजाइन नहीं कर सकते, पर मैं रिपोर्टर हूँ ना, मैं कर सकती हूँ। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। सर, सर, डॉक्टर, सर, 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 सब इंतजाम हो गया है, हम लोग शाम से पहले वहाँ पहुँच सकते हैं। चीफ कहाँ पर है? चीफ कहाँ है? चीफ तो आउट ऑफ इंडिया है। क्या वो कल सुबह ही आएंगे? अब क्या होगा? अंकल, मरने में कैसा लगता है? नहीं पता बेटा, जब तक पता चलता है कोई पता ही नहीं पाता। सरहद हर जगह है, मौत, जिंदगी, जमीन, सब जगह। अंकल, अब बर्दाश्त नहीं होता। मौत तो आनी है, आएगी, कभी भी, कैसे भी। जिसको आना ही है उसके पास जाना क्या। हाँ बेटे, हाँ हाँ बेटा, इसलिए हम तीनों जिंदगी तक जिंदगी के लिए लड़ेंगे। वादा करते, वादा। अंकल, मरने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी? बस सुबह तक की तो बात है, चीफ सुबह आ ही जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह तो तब होगी जब ये रात गुजरेगी। सर, आज दिल नहीं लग रहा, हो जाए कुछ पटाखे छटाके। तो चक्को फिर। चलो चलो, इसे लेके निकलते हैं। हाँ, ठीक रहेगा। चलो चलो। अरे रुक, इसके नीचे तो माइंस है। इसे तो यहाँ छोड़ के भी नहीं जा सकते। तू एक काम कर, तू ब्लॉक कर, मैं आग बुझाता हूँ। ठीक है, ओके। ब्लॉक कर इसे। तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। नहीं बेटा, अंकल अपनी जान दे दे, पर तुझे कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। आग बुझाइए। मत रुक। वो मासूम मौत से सिर्फ एक करवट की दूरी पे है, और अगर उसने तंगा की करवट बदल ली तो फिर क्या होगा? तब तो बहुत कुछ हो जाएगा यार, बहुत कुछ हो जाएगा। और कहा वो है ना, इश्क साई, इश्क साई, जुल्म ना कर हम पर। हम तो तेरे मुरीद है बाबा, हम तो तेरे मुरीद है बाबा, ना दे हमको जुदाई। इश्क साई, इश्क साई, इश्क साई, इश्क साई।
इश्क साई इश्क साई जुल्म ना कर हम पर, हम तो तेरे मुरीद है बाबा, हम तो तेरे मुरीद है बाबा, ना दे हमको जुदाई। इश्क साई इश्क साई इश्क साई इश्क साई। अंकल ठंड लग रही है। ऐ खुदा इस कोट को इसका कफन मत बना देना। तू मेरी आशिकी मेरी सादगी बेचारगी को देख, तू मेरी आशिकी मेरी सादगी बेचारगी को देख, और अपनी बेरुखी बेबसी बेदिली को देख। तूने चैन भी ले लिया सुकून भी छीन लिया, तूने चैन भी ले लिया सुकून भी छीन लिया, दिल की जमीन पर जख्मों को बिछा दिया। सांसें तेरे बस में नहीं तो, सांसें तेरे बस में नहीं तो मौत से कर दे सगाई। इश्क साई इश्क साई जुल्म ना कर हम पर, हम तो तेरे मुरीद है बाबा, हम तो तेरे मुरीद है बाबा, ना दे हमको जुदाई। चीफ आ गए हैं ना सर? हाँ चीफ आ तो गए हैं, लेकिन रिलैक्स कर रहे हैं, किसी से मिल नहीं पाए। इसका मतलब वो आज भी किसी से नहीं मिल सकते हैं। आज भी अगर कुछ ना हुआ तो मुझे लगता है बहुत बुरा हो जाएगा सर, बहुत बुरा हो जाएगा। हेलो दीप्ति, तुम घोषाल साहब के घर पे आ जाओ। मैंने ऑफ डे के दिन चीफ को कभी डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन हालात ऐसे हैं और तुम्हारी जिद ऐसी है कि मैं भी इनकलाब पे उतर आया हूं। देखते हैं शायद मेरा फोन उठा ले। रुको रुको, ये तीनों नंबर तो मैंने सिर्फ डॉक्टर माथुर को दिए थे, उसी का फोन होगा, ले आओ। जी सर। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, बीमार बोल रही हूँ, बरखा दीक्षित। आहा, द मोस्ट बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जर्नलिस्ट बरखा दीक्षित। सर सर, ये सर जो है ना बहुत ही घिसा पिटा ऑफिशियल वर्ड है, जो मुझे मेरे वर्किंग डेज में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर आज तो रिलैक्स्ड डे है। आज अगर तुम मुझे सर की जगह जान कहोगी तो मैं अपनी जान लुटा सकता हूं, मगर अगर तुमने किसी काम के सिलसिले में मुझे फोन किया है तो आई एम सॉरी। बाहर से फोन है। किसका? देहरादून से प्रिंसिपल जी का फोन है। अच्छा ना, तुम जाओ। हाँ प्रिंसिपल साहब, मेरा राकेश कैसा है? हेलो सर, राकेश जिस स्कूल बस में ट्रेवल कर रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, 80 फीट खाई में गिरी है सर। What?
गाड़ी चकनाचूर हो गई है सर, पता नहीं सबका क्या हुआ। Oh my God, ठीक है, I'm just coming. Sir, please. मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। I'm very upset. I have to go. एक बार सुन लीजिए सर। आप इतना upset इसीलिए है ना क्योंकि राकेश आपका बेटा है, इसलिए एक बाप का दिल तड़प उठा। अब उसी दिल से पूछिए सर कि वो मासूम भी तो किसी का बेटा है जो बारूद पे लेटा हुआ है। राकेश is absolutely fine, sir. सर राकेश बिल्कुल ठीक है सर। I promise you, sir. लेकिन वो फोन? So sorry, sir. वो छोटा सा ड्रामा हमने आपको एहसास दिलाने के लिए किया था। So sorry. सर प्लीज अपने कदम ना रोकिए। जिस मोहब्बत से आप राकेश की तरफ जा रहे थे उसी मोहब्बत से आप उस मासूम की तरफ चलिए। प्लीज सर अपने कदम ना रोकिए। प्लीज सर वक्त बहुत कम है सर, सिर्फ शाम तक का वक्त है सर। प्लीज प्लीज सर प्लीज हमारी बात मान लीजिए। प्लीज सर टू बी वेरी ऑनेस्ट बरखा, ये दूसरी लड़कियां मुझे कपड़ों के बिना सेक्सी लगती हैं, मगर तुम कपड़ों के साथ सेक्सी लगती हो। तुमसे सेक्स करने का मेरा जी चाहता था, लेकिन आज तो मैं सजदा करने को जी करता है। यू आर ट्रूली अ ग्रेट जर्नलिस्ट। लेट्स गो। ये बॉम्ब डिफ्यूज कीजिए फौरन। चलो चलो जाओ, जल्दी जाओ, गो गो। सर ये है बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले एक्सपर्ट्स। जाइए बॉम्ब डिफ्यूज कीजिए फौरन। चलो चलो जल्दी जाओ, गो गो। सर आप यहाँ? वो बच्चे की मोहब्बत खींच लाई तो चले। वाह पागल हो गई हो, जब बम ब्लास्ट होगा ना तो 20 फीट के दायरे में जो भी होगा उड़ जाएगा। एक बात कहूं सर? बोलो। आपकी मोहब्बत में दम नहीं है। कैसे? जिसकी मोहब्बत में दम होता है ना वो बम की परवाह नहीं करते। जल्दी आइए वहां, जल्दी आइए, धीरे। अब हमारे कश्मीर को कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल मत घबराना, अब हम लोग आ गए हैं ना। Don't be scared. मैडम ये बम डिफ्यूज नहीं हो सकता। आप और एक बार ट्राई तो कीजिए। प्लीज एक बार और कोशिश कीजिए ना। ओके ये ऑर्डिनरी बम नहीं है, ये डिफ्यूज नहीं होगा, कोई चांस नहीं है इसका। एक बार कोशिश करो। अरे कोशिश तो करो। ओके ये वाला था? नहीं। ये वाला था? नहीं। या ये वाला था? हाँ ऐसा ही था। सेम या सेम। ये तो डिफ्यूजेबल है ही नहीं और ये डिफ्यूज हो ही नहीं सकता। सॉरी। नाउ द गेम इज ओवर, लेट्स मूव। Move, everybody, move. Let's go. सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्या होगा सर? तो क्या करें? ब्लास्ट होने का इंतजार करें? उस मासूम के टुकड़े टुकड़े होने का तमाशा देखें? No. प्लीज सर कोई तो रास्ता होगा सर। देखो प्लीज, सर। मैंने दोनों तरफ से सिर्फ शाम तक की परमिशन ली है और शाम होने वाली है, अब अगर और यहाँ रुकेंगे तो सबकी जान को खतरा हो सकता है। Do you understand that? सर प्लीज कुछ कीजिए सर। Let's move. सर कुछ move. तो रास्ता। देखिए मौत से पहले इस बच्चे का आखिरी क्लोजअप सर बी चैनल पर। अरे ये तो मरेगा ही पर हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। यार
डॉक्टर, हे राम सुनते ही उधर चल दिए। मेडिकल साइंस में भी धर्म घुस गया ना डॉक्टर। मेडिकल साइंस में धर्म, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं इंडियन हूँ तो इंडियन की तरफ ही जाऊंगा ना, और फिर ये मेरी देशभक्ति भी तो है, इसमें कोई गुनाह है क्या? आप इंडियन हो या आपकी देशभक्ति है तो फिर जाइए ना डॉक्टर, प्लीज जाइए। थैंक यू सो मच। ये सब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर माथुर, दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश में माइनॉरिटीज को ही खुद को वफादारी साबित करनी पड़ती है। ये है वहां के अनिल गुज्जर और वो है अकबर खान। ये दोनों अपनी अपनी वफादारी साबित करने के जुनून में यहां तक आ पहुंचे। सच्ची, हम दोनों में बहुत कुछ सेम सेम है। एम्बुलेंस भी। Let's move from here immediately. Sir, come on. Sir, please sir. कोई तो रास्ता होगा सर, प्लीज सर। कश्मीर के ऐसे ही बारूद पे लेटा रहेगा सर। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर। नहीं नहीं बरखा, कुछ नहीं हो सकता। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। ओह स्टॉप। Mm-hmm.
यस, ये सबका बॉस है एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, सो कम ऑन गाइस एंड से मोहब्बत बॉस है, मोहब्बत बॉस है। उलझन टेंशन कूल करे, जो भी दिल को उस पे लुटा दे, जन्नत का ये टिकट कटा दे। मोहब्बत बॉस है, मोहब्बत बॉस है, मोहब्बत बॉस है।